हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे सूप वीक का फोर्थ डे है और आज हम बनाने वाले हैं स्वीट कॉर्न सूप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड चेक आउट द रेसिपी। स्वीट कॉर्न सूप बनाने के लिए सबसे मेन इंग्रेडिएंट रहेगा टेंडर अमेरिकन स्वीट कॉर्न, जिसके हमने कर्नल्स को निकाल लिए हैं। ये 3 बोल जितने स्वीट कॉर्न कर्नल्स हैं, उसमें से हम 2 बोल जितने स्वीट कॉर्न कर्नल्स को एक मिक्सर जार में डालेंगे। 1/2 ग्लास जितना पानी डालकर इसे एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट को हम जितना हो सके उतना फाइन बनाएंगे और फिर एक कढ़ाई के अंदर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जितना ऑयल और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना बटर। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें हम फाइनली मिंस्ड गार्लिक ऐड करेंगे 1/2 स्पून जितना, और 1/2 स्पून हम इसमें फाइनली चॉप्ड जिंजर ऐड करेंगे। इन दोनों का थोड़ा सा कलर चेंज होने लगे और थोड़ी सी अरोमा आने लगे, तब इसमें जाके हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज, फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज। ये सारे बेसिक स्पाइसेस हैं जो सूप में एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड करेंगे। इसके बाद वेजिटेबल्स के लिए हमने फाइनली चॉप्ड कैबेज और फाइनली चॉप्ड कैरेट्स यूज किए हैं, और थोड़े से वेजिटेबल्स सॉफ्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश कॉर्न कर्नल्स, और इसे सारे वेजिटेबल्स को हम एकदम ही लो फ्लेम पर सिर्फ 1/2 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और कॉर्न कर्नल्स थोड़े से फूल जाए। सारे वेजिटेबल्स सॉफ्ट होने के बाद इसमें हमने रेडी की हुई फाइन पेस्ट ऐड करेंगे, कॉर्न की पेस्ट, और इसमें बाद में हम ऐड कर देंगे पानी। ये 4 लोगों को सर्व करने जितना सूप बनाया है हमने, तो इसमें हमने 4 कप जितना पानी ऐड किया है, और इस सूप को हम पहले मिक्स करेंगे। सूप को थोड़ा सा थिक बनाने के लिए हमने कॉर्नफ्लावर की स्लरी ऐड की है इसमें, ताकि सूप थोड़ा सा थिक हो जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट और 1/2 टेबलस्पून शुगर, ब्लैक पेपर पाउडर, अगर आपके पास व्हाइट पेपर है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और अब ये स्वीट कॉर्न सूप है तो इसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा स्वीटनेस ऐड करने के लिए हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून जितनी शुगर भी ऐड की है। सूप को हम 1 बॉयल आने तक गर्म करेंगे। बॉयल आने के बाद ऊपर से हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना अनसॉल्टेड बटर ऐड करेंगे, और बटर ऐड करने के बाद हम स्टव को ऑफ कर देंगे, और जैसे ही बटर मेल्ट होता जाएगा वैसे ही सूप में एक बहुत ही अच्छी फ्लेवर आना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब सूप बन के रेडी है, इसे हम ट्रांसफर करेंगे एक सर्विंग बोल में। तो रेडी है क्रीमी डिलीशियस कलरफुल स्वीट कॉर्न सूप। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।